ऑफलाइन कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर का मैंने बहुत कुछ समझा दिया था। तो यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में आपको आईडीई सिस्टम के बारे में समझाया था और आईडीई को कैसे बनाया गया था, किस तरह से इसका यूज़ हुआ था और आईडीई टेक्नोलॉजी से कैसे इसको पहचानते हैं हम, इसको पाटा केबल क्यों कहते हैं। ओके, आईडी टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने आपको डिफरेंट डिवाइसेस की रेडनेस वगैरह समझाई थी, साथ ही कौन सी टेक्नोलॉजी ने इसकी जो रिप्लेसमेंट कर दी थी। ओके, तो आईडीई टेक्नोलॉजी और फिर इसके बाद आईडीई 81 समझाया था। ओके, तो आईडीई 81 उसका ही वर्जन है, सेकंड वर्जन, जो दे सकते कि आईडीई टेक्नोलॉजी डिफरेंट टाइप की ऑफ डिफरेंट टाइप के उसके पाटा केबल सिस्टम के थ्रू होता था यहाँ पर। ओके, तो इसी तरह से जो आईडीई सिस्टम वगैरह जो थी उसके अंदर काफ़ी बेहतर सुधार लाकर यहाँ पर उसको यूज़ किया गया। आज हम जो साटा 3.0 हम समझेंगे, साटा 2 भी होता है, लेकिन साटा 2 हो या साटा 3 हो, मैं आपको साटा टेक्नोलॉजी पहले समझा देता हूँ, साटा पोर्ट समझाता हूँ। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था कि जितने भी पोर्ट है हमने रिकवर कर लिए, तो कंप्यूटर पावर पोर्ट क्या होता है, PS2 माउस पोर्ट, USB पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, VGA पोर्ट, पावर कनेक्शन पोर्ट, फिर माइक्रोफोन फोन एंड मॉडेम पोर्ट, नेटवर्क और इंटरनेट पोर्ट, HDMI पोर्ट, DVI पोर्ट्स, आईफोन और ऑडियो पोर्ट और आईडीई केबल के बाद हमारा आज से नया वीडियो शुरू होता है, नया पोर्ट के बारे में शुरू होता है मदरबोर्ड के अंदर साटा 3.0। ओके, तो ये जो है साटा 3.0 हमारा 15 नंबर का ये पोर्ट हमारा ये वीडियो शुरू होता है। ओके, साटा 3.0 और फिर इसके बाद साटा 6 जिसको ई साटा भी बोला जाता है, यहाँ पर ई साटा भी बोला जाता है 6.0, तो वो भी मैं समझाऊंगा। तो उसके बाद में एम साटा समझाऊंगा, IEEE, फिर और भी बहुत कुछ समझाऊंगा। तो उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में समझेंगे। तो आज हमारा जो साटा 3.0 पोर्ट है ये कैसे काम करता है, साटा टेक्नोलॉजी के क्या है पहले ये समझेंगे। ये साटा आया, फिर साटा 1.0 आया, साटा 2.0 आया और साटा 3.0 पोर्ट भी आया। तो उसको सब कुछ मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो पहले साटा समझ लेते हैं, साटा पोर्ट क्या है और किस तरह से दिखा जाता है, कैसे काम करता है, ये भी हम समझेंगे। तो ये हार्ड डिस्क से रिलेटेड है और साथ ही कैसे ये रिप्लेस किया इसमें आईडीई टेक्नोलॉजी को और ये कब शुरू हुआ था। ओके, तो ये कैसे बना था वो भी मैं समझाऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसी सिस्टम को, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकती हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालाँकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से अपने चैनल पर आ जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर के कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको
वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कॉम्पोनेंट ऑनलाइन जो ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आप से स्टार्ट किए होगे, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कॉन्टैक्ट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कंप्लीटली कम्प्लीट करूँगा इसको। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर, विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए, सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्यून है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ, तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकते हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो अगर आपके पास पहले से बेसिक काम होना चाहिए, तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और
जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, ओके। और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए, ओके। तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो जैसे कि मैंने आपको समझा था, बताया था कि पुराने वाले हमारा जो मदरबोर्ड दिख सकते हैं कि सामने सेकंड जनरेशन का ये थोड़ा सा मदरबोर्ड है, सॉरी थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन का है। इसके अंदर ISA पोर्ट होते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हमारा CPU की सॉकेट के अंदर कनेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर कोई भी एक भी हमारा CPU का सॉकेट नहीं है, और IDE सिस्टम हमारे सामने है, और यहाँ पर SATA है ही नहीं, क्योंकि उस टाइम के अंदर SATA टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। SATA टेक्नोलॉजी अगर आपको देखनी है तो कैसे होती है, एक SATA स्लोट क्या होता है, SATA टेक्नोलॉजी का कनेक्टर क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको समझ देना चाहता हूँ कि सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। इससे पहले IDE टेक्नोलॉजी पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, उसके बाद ही SATA समझ में आएगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं यहाँ पर, ओके। तो काफ़ी डिटेल में समझाया था मैंने। तो पहले हम समझते हैं SATA, सीरियल SATA इसको बोलते हैं। सीरियल AB ATA ही है, AT कनेक्शन ही है, जैसे कि उसका सीरियल नाम भी है, सीरियल ATA, सीरियल SATA कनेक्शन, एब्रीवियट फ्रॉम सीरियल ATA अटैचमेंट ही है, उसके लिए इसको नाम दिया गया SATA, ओके। तो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, इसको ये नाम पूरा है इसका, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट इसका पूरा नाम है। इसे कंप्यूटर बस इंटरफेस डेट कनेक्ट होस्ट बस एडेप्टर टू मास स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव, ओके। तो जैसे कि मैंने कहा कि कंप्यूटर ये बस इंटरफेस बनाई गई थी, ये नई टेक्नोलॉजी बनाई गई थी, ये भी एक काम करता है होस्ट के लिए ही, और ये क्या काम करता है, USB मास स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क है, ओके। हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करने के लिए, हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए हार्ड बनाया था पहले खास तरह के, फिर ऑप्टिकल ड्राइव भी इसके अंदर कनेक्ट हो, और फिर बाद में SSD भी आ गए यहाँ पर, ओके। तो पहले हार्ड डिस्क, फिर ऑप्टिकल ड्राइव दोनों आ गई, फिर बाद में सॉलिड स्टेट ड्राइव भी आ गई। तो मास स्टोरेज डिवाइस किसको कहते हैं, क्यों, कि मास मतलब कि वेरी पावरफुल ये इसको बना गया। सीरियल आटा सक्सीड द अर्ली पैरेलल ATA आटा हार्ड डिस्क, तो सीरियल SATA हार्ड डिस्क सक्सेस रही है, काफ़ी टेक्नोलॉजी काफ़ी बहुत पाटा से भी, मतलब ATA हार्ड डिस्क से भी काफ़ी हाई लेवल की। आपको पिछली वीडियो में पाटा केबल, पाटा हार्ड डिस्क, पाटा कनेक्टर, और जिसको IDE बोला जाता है, IDE सिस्टम बोला जाता है, उससे कई गुना सीरियल SATA केबल सक्सेस रही। तो स्टैंडर्ड टू बिकम टू प्री डोमिनेट इंटरफेस फॉर स्टोरेज डिवाइसेस, तो ये खास तरह की प्री डोमिनेंट, मतलब इसको बनाया गया था स्टोरेज डिवाइसेस के लिए खास तरह से। और देख सकते हो कि इस तरह से आपको मदरबोर्ड के अंदर ये जो पोर्ट दिखाई दे, इस तरह का पोर्ट दिखाई दे आपके सामने, ओके, इस तरह का पोर्ट दिखाई दे, समझ लो कि ये SATA टेक्नोलॉजी, SATA हार्ड डिस्क यहाँ पर कनेक्ट होगी, ओके। तो हार्ड डिस्क अकेले हार्ड डिस्क नहीं, इसके अंदर हमारी CD/DVD ड्राइव थी, ओके। CD/DVD ड्राइव जो था, जिसको ऑप्टिकल ड्राइव बोलते हैं, वो हमारे ऑप्टिकल ड्राइव SATA से ही आया, SATA टेक्नोलॉजी के साथ ही आया। तो ऑप्टिकल ड्राइव सब कनेक्शन जो अगर आप देखोगे, ऑप्टिकल ड्राइव इसको किसको कहते हैं, ऑप्टिकल ड्राइव इसको बोलते हैं जिसके अंदर आपको CD/DVD देखा होगा, कैसेट देखी होगी आपने, CD/DVD ड्राइव वगैरह। तो जो CD/DVD है वो ऑप्टिकल, यहाँ पर बाइनरी सिस्टम से चलता है, बाइनरी कोड सीक्वेंस से चलता है, ऑप्टिकल इसको बोलते हैं। अगर आपने CD/DVD देखी होगी तो जैसे कि अब CD है हमारे पास, फिर DVD है हमारे पास, मूवी वगैरह देखते हैं, तो ये क्या होती है, SATA इसके ऑप्टिकल इसको सिस्टम होती है, ओके। और उसी के अंदर हम स्टोर करते हैं डेटा वगैरह जो होती है, तो कुछ मूवीज हम स्टोर करते हैं, कुछ हम हमारे फाइल्स वगैरह जो स्टोर करते हैं, तो वो SATA से ही शुरुआत हुई थी। और फिर बाद में नेक्स्ट में SSD आपको पता ही है, आज के टाइम के अंदर ज़्यादातर अब
SSD ड्राइव यूज होती है, ओके, सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज होती है जिसके अंदर कोई भी मूवेबल मैकेनिज्म पार्ट नहीं होता, तो इस तरह से हार्ड डिस्क यूज होती है। तो SSD देख सकते हैं कि आपके सामने साटा 2 है, ओके, साटा 2 है, साटा 3 भी है। ये तीन तरह के कलर में, कोई भी कलर हो, XYZ कोई भी कलर हो, लेकिन ऊपर लिखा होता साटा 2 साटा 3, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? तो साटा 2 जो है वो फास्ट है, लेकिन साटा 3 उससे भी ज़्यादा फास्ट है। इसको ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा ऊपर सा हिस्सा जो है मुड़ा हुआ है और सीधी सीधी लाइन है, और यहाँ पर थोड़ा सा एक हिस्सा है, ये क्या होता है, ये लॉक होते हैं, लॉकिंग सिस्टम है। कोई आपका सिस्टम जो है लूज केबल ना हो, इस वजह से इसको बनाया गया। और काफ़ी ये छोटा है, छोटा होने के कारण इसके साथ कई और भी हम इस एरिया के अंदर, अगर IDE को कंपेयर करें इस साटा सिस्टम से, तो सिर्फ एक IDE पूरी जगह ले लेगा। तो उस जगह को भी ध्यान में रखकर इस तरह को टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। देख सकती हो कि उस जगह भी कम रोक रहा है, जगह भी कम यूज़ कर रहा है मदरबोर्ड के ऊपर, और ये जो है काफ़ी फास्ट भी है, ओके। अब इसके फीचर के बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट कुछ समय के बाद। अभी हम इसको समझते हैं कि इसे बनाया किस तरह से, इसका यूजफुल इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ। तो सीरियल 80 इंडस्ट्री कॉम्पेटिबिलिटीज बेसिफिकेशन ऑरिजिन ऑफ सीरियल आटा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसने ये 81 सीरियल 80 इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया, और तो उसका नाम देगा साटा इनपुट आउटपुट विच आर प्रोमोटेड बाई INCITS टेक्निकल कमिटी है ये, ओके। और इसने 80 अटैचमेंट के अंदर ये काफ़ी बेहतर तरीके से यूज करके इस तरह से वो बनाया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो साटा टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर आप कॉम्प्लीटली ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर, ओके। तो बेसिकली जितने भी हमारे साटा कनेक्शन वगैरह जो देख सकते हो कि अभी 7 पिंस के अंदर से हमारा जो पूरा डेटा जो है वो यहाँ पर हमारा सेंड और रिसीव होता है यहाँ पर, ओके। तो बेसिकली जितने भी हमारे एक कम यहाँ पर ये जो INCITS टेक्निकल कमेटी है, ये 80 अटैचमेंट को काफ़ी बेहतर तरीके से उसने ऑर्गेनाइजेशन किया, और जब बनाया गया था साटा इंडस्ट्री मतलब सीरियल 80 इसको सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट बोलते हैं उसको, तो यहाँ पर एक बहुत फास्ट यू कह सकते हो कि बेसिकली ये बेहतर तरीके से यहाँ पर ही सभी जगह पर यूज़ होने लगा। तो काफ़ी आप देख सकते हो कि 4th जनरेशन के अंदर तो काफ़ी बेहतर तरीके से ये इसका यूज़ होने लगा। तो 4th और 3rd जनरेशन के बीच में जो भी हमारा मदरबोर्ड आता है, जैसे कि मैंने कहा कि 4th जनरेशन, जैसे कि यू कह सकते हो कि 1991 से लेकर 2008 के जितने भी हमारे मदरबोर्ड वगैरह जो दे सकते हो कि यहाँ पर 4th और 5th जनरेशन, तो 4th जनरेशन या 5th जनरेशन की हम जो भी मदरबोर्ड की बात करती है बेसिकली, तो ये हमारा इंटेल 945 चिपसेट के साथ और इसके अंदर सीरियल 80 साटा के बट साटा हेडर्स, इसको जो साटा पोर्ट्स बोलते हैं यहाँ पर, दे सकते हो कि यह साटा पोर्ट है। लेकिन पिछले वीडियो में आपको समझाया था IDE हार्ड डिस्क वगैरह मैंने आपको समझाया था, तो ये काफ़ी बेहतर तरीके से यूज होने लगा। तो जितनी भी कंपनी जो थी, जैसे कि मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनीज जो थी, ICs बनाने वाली कंपनीज जो थी, और मदरबोर्ड डिज़ाइनिंग करने वाली कंपनीज जो थी, इन तीनों कंपनी का एक बेस्ट रिजल्ट निकल कर आया हमारे साटा हार्ड डिस्क साटा सिस्टम की बात करें तो। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये IDE इस जगह पर अगर हम साटा सिस्टम को, साटा टेक्नोलॉजी को 1, 2, 3 लेवल पर रखें, तो ये जो है बिना जो है जरा जगह रोके यहाँ पर ये अच्छा बहुत ही बेहतर तरीके से हमारा जो यूज़ और बेहतर तरीके से हमारा जो है सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से ये 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के यहाँ पर, ये 5th जनरेशन और 10th और 9th जनरेशन के मदरबोर्ड की देख सकते हो यहाँ पर, तो ये 5th जनरेशन 9th जनरेशन के मदरबोर्ड के बीच में आपको बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी मिलेगी जिसके अंदर आप बहुत कुछ अलग जो टेक्नोलॉजी है वो निकल ली गई है यहाँ पर। बेसिकली ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये जो है पैरेलल पोर्ट है, ये टेक्नोलॉजी अब यूज़ नहीं होती थी,
ओके अब ये टेक्नोलॉजी नहीं यूज होती है यहाँ पर। ओके अभी PS2 पोर्ट भी निकल गया है क्योंकि मैं अभी एसएस का समझा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं गीगाबाइट का अगर मैं एच की थिक्स और गीगाबाइट के अलावा और भी Z613 और भी मैं गीगाबाइट का 11th जनरेशन या 12th जनरेशन लेकर मैं बताऊँ आपको मदरबोर्ड, तो उसके अंदर भी आपको VGA पोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, आपको PS2 पोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी जो पुरानी हो चुकी है उसकी जगह पर बेहतर टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो कंपनी जो होती है उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से मना करती है, क्योंकि उसका जो बेस्ट पावरफुल एक लेवल होता है। हर कंपनी जो होती है वो अपने अपने हिसाब से मदरबोर्ड की सीरीज को बनाती है। बेसिकली हम देखेंगे हम बात करें कि कोई भी मदरबोर्ड जब बनाती है कंपनी शुरुआत से लेकर अभी तक, IBM कंपनी की बात करें हम, फिर इंटेल कंपनी की बात करें, या तो फिर हम MSI कंपनी, SS कंपनी, गीगाबाइट कंपनी वगैरह जो है वो तो बाद में आई थी, लेकिन हम बात करें कि पुराने वाले जो कंपनीज वगैरह जो होती है जब मदरबोर्ड क्रिएट करती है बनाती है या कोई चिपसेट बनाती है या तो फिर कोई ऐसी टेक्निकल बनती है, तो उस हिसाब से मदरबोर्ड को डिज़ाइन करना पड़ता है। मान के चलते हैं कि ये ग्रीन चिप में कुछ नया बदलाव आया, तो उस हिसाब से हार्ड डिस्क वगैरह, रैम वगैरह, उनके कम्युनिकेशन वगैरह, उनके ट्रांसफरिंग पावर वगैरह, यहाँ पर बहुत कुछ चेंज हो जाता है यहाँ पर। ओके तो पुराने वाले जो मदरबोर्ड जो होते हैं वो पावर की बात करें तो पावर जरा कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होती थी, पावर जरा खाती थी, लेकिन इस टाइप के अंदर जो है वो पावर इस तरह से कंज्यूम कुछ वेस्ट हो जाती थी यहाँ पर। लेकिन नए टाइप के मदरबोर्ड में जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आप यूज़ करोगे, जैसे कि मान के चलती है कि मुझे दो ही रैम लगाने थे, दो ही पावर रैम का पावर लेगा, मुझे ग्राफिक्स कार्ड लगा तो ग्राफिक्स कार्ड ही उतना पावर लेगा, अलग से आप लगाना चाहते हो काफ़ी बेहतर तरीके फास्ट तरीके से चले तो ये भी आप इंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये नॉर्थ ब्रिज का आपके सामने चिप सेट है, ये साउथ ब्रिज का चिप सेट है, ये दो पार्ट में, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ एक ही है यहाँ पर। ओके तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी बेहतर तरीके से काफ़ी हाई लेवल का मदरबोर्ड जो होते हैं उसके अंदर काफ़ी बहुत तरीके रिसर्च करते हैं पुराने मदरबोर्ड पर और फिर नए मदरबोर्ड से, तब जाकर ये जो टेक्नोलॉजी कुछ चेंज होती है। तो हम बात करते हैं कि देख सकते कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का यहाँ पर कुछ नहीं है, IDE जो मैंने समझाया था, ओके आता पाटा केबल का, उसका स्लॉट यहाँ पर नहीं है, उसकी जगह पर साटा पोर्ट है यहाँ पर देख सकते हो, ओके साटा ब्लैक है और साटा 3 है यहाँ पर देख सकते हो। तो साटा का क्या मतलब होता है, मैंने आपको समझाया कि हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क का पोर्ट होता है यहाँ पर। ओके अगर हम इस वाले मदरबोर्ड की बात करें SS कंपनी का देख सकते हो यहाँ पर, अब इसके अंदर भी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। बेसिकली देख सकते हो कि अगर हम बात करें कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जैसे कि यहाँ पर VGA कोई पोर्ट नहीं है, VGA पोर्ट नहीं है, पैरेलल पोर्ट नहीं है, DVI पोर्ट नहीं है, ओके ये ध्यान से देखिए यहाँ पर। ओके और यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो 4 हमारा CPU पोर्ट होता था, पावर पोर्ट, मैंने आपको SMPS की वीडियो में बताया था कि पावर पोर्ट वगैरह क्या होता है कैसे होता है आपको समझा, तो जो यहाँ पर 4 पोर्ट होता है यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 8 पोर्ट का लिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही काफ़ी कई गुना ज़्यादा पावरफुल हमारा प्रोसेसर लगता है, उस प्रोसेसर को पावर देने के लिए ये चीज़ होती है। अगर हम ध्यान से देखें कि यहाँ पर कोई भी पोलराइज कैपेसिटर नहीं, यहाँ पर SMD कैपेसिटर है, ओके देख सकते हो ये जो है कैपेसिटर कुछ अलग तरह के यहाँ पर कैपेसिटर है। उसके अलावा आप ध्यान से देखो कि ये जो है ये जो पार्ट है देख सकते हो यहाँ पर ये वाला पार्ट है, ये साटा के यूज़ करने वाले साटा हार्ड डिस्क 6 हार्ड डिस्क आप लगा सकते हो। तो ज़रा सोचिए कि एक IDE लगाओ पोर्ट को, ओके पाटा केबल के एक IDE पोर्ट को लगाओ तो सिर्फ एक ही लगेगा हार्ड डिस्क, लेकिन ये छोटी टेक्नोलॉजी है, माइक्रो टेक्नोलॉजी, ऊपर से फास्ट भी है और बहुत ही पावरफुल भी है, इस वजह से इसको साटा टेक्नोलॉजी इस तरह से बनाया गया है आप लोगों के। और ना ही इसके अंदर आप देख सकते हो कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव वगैरह जो है लगाना ज़रूरी नहीं है, एक ही चिप सेट नहीं है, इसके साथ बहुत सारे अलग अलग चिप सेट है, जैसे कि ये तो है ही हमारे सामने ग्रीन चिप जिसको बोलते हैं, यहाँ पर रैम के स्लॉट 4 दिए गए, यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ M2, ओके अब नई तरह की हार्ड डिस्क की भी आ चुकी है, साटा के बाद नई तरह की हार्ड डिस्क आ चुकी है, SSD NVMe देख सकते हो कि यहाँ पर, ओके ये हार्ड डिस्क है, ओके
तो ध्यान से देखें कि काफ़ी टेक्नोलॉजी जो है बदल जाती है, कब बदलती है, क्योंकि जब कोई भी कंपनी मदरबोर्ड क्रिएट करती है तो उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी लाइनिंग, उसकी कनेक्टिविटी, हर चीज़ जो है उसकी चेंज होती है। ओके, उसके अलावा आप ध्यान से देखोगे कि साउंड में भी ये कैपेसिटर काफ़ी फिल्टर का काम करती है। आपको पता होगा कैपेसिटर का काम क्या होता है, तो फिर कैपेसिटर जो होते हैं फिल्टर का काम करता है और करंट को जो है वो चार्ज कर रखता है, मतलब कि एक तरह का बैटरी का भी काम करता है एक तरह का। ओके, तो यहाँ पर एक ये चिप नहीं, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे चिप्स वगैरह जो होती है। ओके, कुछ मॉस्फेट वगैरह लगे हैं यहाँ पर, बोलिए एक क्रिस्टल लगा हुआ है यहाँ पर। तो हर जो मदरबोर्ड के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पर लगे कैसे लगे, ये मदरबोर्ड डिज़ाइनर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो कंपनी जो होती है वो पुराने वाले मदरबोर्ड के ऊपर रिसर्च करती है, उनके इंजीनियर रिसर्च करते हैं कितना टेक्नोलॉजी कौन सी लगेगी, कहाँ निकालना, कैसे निकालना, कैसे पावर जाएगा, किसे डेटा जाएगा, किसे उसकी जो प्रोसेस होगी, ये बहुत कुछ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। और एक इंजीनियर नहीं होती, पूरी टीम होती है। कम से कम आप ध्यान से देखोगे कि कोई भी नया मदरबोर्ड जब बनता है या फिर इसका डिज़ाइन होता है तो कोई ना कोई इसके ऊपर बहुत सारी अलग अलग तरह की इंजीनियर्स जो होती है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, और इनको नया मॉडल बनाने में, मतलब कि नया टेक्नोलॉजी बनाने में ही उनको कम से कम 3 साल 2 साल लग जाते हैं। यहाँ पर इससे डायरेक्टली कोई बना नहीं सकता। ओके, तो ऐसा क्यों, मेन रीज़न ये होता है कि मान के चलते हैं कि कोई भी हमारा पुराना वाला मदरबोर्ड है तो इसके अंदर उसकी डिज़ाइन अलग होती है। अब इस डिज़ाइन में मुझे M.2 ये वाली हार्ड डिस्क लगानी, ये सिस्टम लगानी, ये पोर्ट लगाना है, तो यहाँ पर तो पोर्ट नहीं लगेगा, इम्पॉसिबल, क्योंकि रैम सोर्ट जो है वो नहीं लगाने देगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी कुछ डिज़ाइन अलग है, इसकी कुछ सिस्टम अलग है। यहाँ पर M.2 हार्ड डिस्क मुझे लगानी है, किस तरह से लगाने, कैसे लगाने, किस टाइप की होती है, ये बहुत कुछ यहाँ पर हमारे मदरबोर्ड के ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ पर तो साटा पोर्ट जो होता है, यहाँ पर साटा पोर्ट जब लगता है तो साटा पोर्ट के अंदर भी उनकी लाइन्स वगैरह जो होती हैं उनका यूज़ होता है यहाँ पर। ओके, तो ऐसे कभी भी कोई भी मदरबोर्ड होता है वो ऐसे डायरेक्टली नहीं बनता। तो हम बात करते हैं हमारे डेस्कटॉप मदरबोर्ड, जैसे क्योंकि ये पुराना वाले पेयर पोर्ट है, यहाँ पर सीरियल पोर्ट है। ओके, और भी आपके सामने पोर्ट्स वगैरह जो आपकी P4 है। ओके, और उसके अंदर हम डेटा स्टोर वगैरह करते थे, कुछ जगह पर हमारा डेटा काफ़ी हाई लेवल, जैसे कि सर्वर टेक्नोलॉजी, उसके साथ हमारा जो मदरबोर्ड का, ये मेरे सामने ये वाला मदरबोर्ड है, ये हमारा लैपटॉप का मदरबोर्ड। तो लैपटॉप के भी मदरबोर्ड के अंदर काफ़ी बहुत कुछ चेंजिंग की, इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरह से की जाती है, काफ़ी पतला रहे, स्लिम रहे, उस हिसाब से इसको टेक्नोलॉजी को बनाया जाता है। यहाँ पर मदरबोर्ड जब बनाया जाता है तो उसकी भी डिज़ाइनिंग काफ़ी बेहतर तरीके से, काफ़ी परफेक्ट और काफ़ी हाई लेवल की हो, इसके कंपोनेंट भी काफ़ी परफेक्ट अच्छी तरह से काम कर सके, और साथ ही इसके अंदर जो भी कम्युनिकेशन, जो भी कनेक्टिविटी हो परफेक्ट चल सके, उस हिसाब से यहाँ पर हम यूज़ करते हैं मदरबोर्ड को। ओके, तो जब भी कोई मदरबोर्ड बनता है, चाहे फिर वो डेस्कटॉप का हो या लैपटॉप का हो, उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो कितने वोल्ट के अंदर चलता है, कितने सिस्टम के अंदर चलता है, ये सब कुछ देखना होता है। तो साटा टेक्नोलॉजी जब आई तो वो इसको माइक्रो टेक्नोलॉजी हुई, क्योंकि इसकी वजह से ही हमारा जो है लैपटॉप बना है। ओके, साटा टेक्नोलॉजी के कारण ही हमारा लैपटॉप बना है, क्योंकि IDE हार्ड डिस्क जो है काफ़ी बड़ी होती थी, उसके अंदर काफ़ी बड़ा पोर्ट होता था। तो यहाँ पर साटा टेक्नोलॉजी आने के बाद जो है वो लैपटॉप का काफ़ी बेहतर छोटा बना है, क्योंकि इसका पोर्ट काफ़ी बहुत ही पतला होता है, इसके अंदर फ्यूजेबल सिस्टम होता है। तो ध्यान से देखें कि ये जो मदरबोर्ड है इसके अंदर आपको साटा ये पोर्ट पिन मिल जाएगी। ओके, तो एक पिन आपके हार्ड डिस्क पर लगेगी साटा हार्ड डिस्क के अंदर, और एक पिन आपके मदरबोर्ड की साटा के पोर्ट के अंदर लगेगी। तो पुराने वाले अगर आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे मदरबोर्ड है जिसके अंदर आपको साटा पोर्ट भी मिल जाएंगे और आईडी हार्ड डिस्क मिल जाएंगे। तो ये जो पहले पुराने वाले जो हमारे पोर्ट वगैरह जो होती थी हार्ड डिस्क की हम बात करें तो साटा हार्ड डिस्क जो थी वो काफ़ी बेहतर यूज़ होने लगी धीरे धीरे करके, और फास्ट फेमस होने लगी। और यहाँ पर इस तरह के जो पुराने वाले जो आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि इसके मुकाबले ये बहुत ही पावरफुल है। गीगाबाइट का आपके सामने एक और मदरबोर्ड है। अब ये मदरबोर्ड के अंदर देख सकते हो कि साटा का जितना भी यहाँ पर पोर्ट है आप देख सकते हो, तो ये जो साटा का पोर्ट है, जैसे तो ये साटा का पोर्ट है यहाँ पर ये, ओके, ये कुछ इस तरह से भी आता है यहाँ पर साटा टेक्नोलॉजी पोर्ट का।
और ये जो गीगाबाइट का मदरबोर्ड है काफ़ी महंगा आता है, कम से कम ये जो अभी मैंने इसकी प्राइस देखी थी तो कम से कम ये 15-16 हज़ार का आता है। लेकिन इसके मुकाबले ये बहुत ही काफ़ी फास्ट है, पावरफुल है और इसकी नई टेक्नोलॉजी है। अब हम इसके अंदर ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर पैरेलल पोर्ट निकाल दिया गया है, इसके अंदर आईडी पोर्ट निकाल दिया, फ्लॉपी ड्राइव पोर्ट निकाल दिया है। तो ये टेक्नोलॉजी जब जब चेंज होती है तब तब परफेक्ट जितना हो सके काफ़ी अलग तरह की होती है। पर अगर हम पीसीआई स्लॉट की बात करें या फिर हम एजीपी स्लॉट की बात करें तो काफ़ी बेहतर तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने के साथ इसका बेहतर तरीके से हमारा ये एक तरह का यूँ कह सकते हैं कि हम उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा देख सकते हैं कि और एक गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, ओके ये B46M गेमिंग HD मदरबोर्ड है। इसके अंदर भी आप जान सकते हैं कि जो M.2 मदरबोर्ड है इसके अंदर भी काफ़ी बेहतर तरीके से ये सिस्टम्स बनाए गए हैं। यहाँ पर साटा पोर्ट्स वगैरह जो ये भी बहुत कुछ आपको गीगाबाइट के अंदर आपको पोर्ट्स वगैरह जो है काफ़ी अलग तरह के दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि जब साटा टेक्नोलॉजी आई तो IDE सिस्टम के निकलने के बाद ये हार्ड डिस्क जो है काफ़ी फास्ट और पावरफुल मानी गई, क्योंकि इसका रीडिंग स्पीड, इसका राइटिंग स्पीड, उसका डेटा का जो है एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करने का, रिसीव करने का काम बहुत ही काफ़ी पावरफुल होने लगा और काफ़ी यूजेबल रहा। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बेसिकली जितने भी हमारे सिस्टम जो होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, हम कंप्यूटर के साइंस की तरफ बात करें तो यहाँ पर हमारा जो कंप्यूटर है वो काफ़ी बेहतर तरीके से फास्ट वर्क करने लगा। IDE हार्ड डिस्क में अगर कोई भी आप चलाते हो सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोग्राम चलाते हो तो बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर हमारा कंप्यूटर जो होता है वो काफ़ी स्लो चलने लगता है, फास्ट नहीं चलता, क्योंकि वो हार्ड डिस्क काफ़ी स्लो होती, काफ़ी फास्ट नहीं चल पाती और इसकी वजह से हमें काफ़ी लेट होता है, कभी कभी हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है। लेकिन जैसे साटा टेक्नोलॉजी आई तो काफ़ी बेहतर तरीके से फास्ट चलने लगी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, और NVMe SSD बोलो तो उसके भी फास्ट चलने लगे। साटा वॉज अनाउंसड इन 2000 इन ऑर्डर अप टू प्रोवाइड सेवरल एडवांटेज ओवर द अर्ली पाटा इंटरफेस सच एज रिड्यूस केबल साइज एंड कॉस्ट। ओके, तो ये जो चीज़ है साटा ने जब अनाउंस किया 2000 में ऑर्डर प्रोवाइड किया और एडवांटेज बताया सबको टाटा इंटरफेस की कंपेरिजन में, तो इसने क्या किया सेव केबल जो है वह हमने देखा था पिछली वीडियो के अंदर। अगर आपने IDE टाटा केबल की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको कहा था कि ये रिबन केबल से कनेक्ट होती है, लेकिन साटा का जो केबल है काफ़ी पतला होता है, काफ़ी कम होता है और उसकी जो खर्चा होता है वो बहुत ही कम होता है। तो 7 कंडक्टर × 4280 तो वो जो होती है पिन जो होती है हमारे जो 88 कनेक्टर की उसकी 4080 पिन होती है, लेकिन इसके अंदर इतना नहीं होता। तो नेटिव होट सेफिंग फास्टर डेटा ट्रांसफर थ्रू द हायर सिग्नल रेट्स एंड मोर इफिशेंट ट्रांसफर थ्रू द एंड ऑप्शनल इनपुट आउटपुट कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका केबल भी काफ़ी पतला है, डेटा का बहुत ही फास्ट चलता है, हॉट स्वैपिंग भी है क्योंकि चालू में आप निकाल भी सकते हो, ये इसका फीचर आया नया। फिर फास्ट ट्रांसफर करता है सिग्नल को, ओके इसके डेटा के रेट्स को काफ़ी फास्ट चलता है और यहाँ पर इनपुट आउटपुट कोडिंग प्रोटोकॉल को भी ये फॉलो करता है यहाँ पर। तो ये रिविजन हुआ इसका 1.0 इसका स्पेसिफिकेशन रिलीज हुआ जनवरी 2003 के अंदर। 2000 में तो ये बन चुका था लेकिन 2003 में काफ़ी इसको चेंज किया गया, मतलब 2003 में काफ़ी इसका वर्ड रिविजन हुआ। अब बात आती है साटा 1.0, तो 1.0 इतना परफेक्ट था, ये हॉट स्वैपिंग करता था, ट्रांसफर सिग्नलिंग करता था, उसके बाद मोर इफिशेंटली इंटर ट्रांसफर भी करता था 1.0 के बाद। 2.0 में और काफ़ी बेहतर तरीके से साटा हार्ड डिस्क बनी, ओके। और ध्यान से देखें कि ये जो है हमारा IDE हार्ड डिस्क है और ये हमारा साटा हार्ड डिस्क है, दोनों में फ़र्क है। IDE हार्ड डिस्क जो होती है काफ़ी बेहतर तरीके से चलती है लेकिन ये फास्ट नहीं चलती, ये जो है बहुत ही फास्ट चलती है और फास्ट हमारा डेटा ट्रांसफ़र करती है। तो हमारा जो ये दूसरा मेन प्रॉब्लम इसने ख़त्म किया साटा हार्ड डिस्क ने कि जो हमारी रिबन केबल होती है जब बहुत ही उसके पैसे भी लेते थे, कॉस्ट भी मतलब बहुत ही खर्चा भी होता था और उसके अंदर ये जो केबल वगैरह जो होती है ये भी प्रॉब्लम होती थी, तो उसकी साइज भी बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ये साटा टेक्नोलॉजी है तो इसका केबल जो
काफ़ी छोटा हो गया, सिस्टम भी छोटी हो गई और इसका फास्ट पावर डेटा भी सिग्नल को भी भेजने का काम हो गया। ये कम बेहतर लेकिन ये सुपर फास्ट, आप कैसे तो फास्ट में फास्ट ओके। और इसके अंदर ये हार्ड डिस्क इसको इस तरह से बनाया गया कि इसके अंदर ना कोई जंपर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली अपने आप को टेक कर लेके मास्टर स्लेव बना देती है। हालांकि अगर आपको चेंज करना है तो आप बायोस में जाके मास्टर स्लेव बना सकते हो, डिपेंड है आपके ऊपर। ये देख सकते हो कि जंपर वगैरह इसके अंदर सेटअप किया गया, लेकिन इसके अंदर जंपर वगैरह जो सेटअप करने की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर। तो साटा जो होता है आपका, साटा आपका 1.0 दे सकते हो कि साटा इस तरह से आपके पहले पुराने वाले जो पोर्ट वगैरह जो होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह से लॉक होता है। अब ये जो हमारा वहाँ होता है साटा का साटा पोर्ट, तो इसका जो नॉक होता है यहाँ से यहाँ पर लगता है और इस तरह से इसको फिट करते हैं यहाँ पर। तो ये जो इम्पोर्टेंट है सीरियल आटा ATA एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट इंडस्ट्री कंपेटेबल स्पेसिफिकेशन ओरिजिनल ओरिजिनेटर फ्रॉम द सीरियल ATA इंटरनेशनल लोकेशन साटा इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पर ये जो है सीरियल साटा इंडस्ट्री कंपेटेबिलिटी स्पेसिफिकेशन ने इसको कहाँ से साटा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया और इसी ऑर्गेनाइजेशन के साटा इनपुट आउटपुट ग्रुप कोलेबरेटिव क्रिएट्स के बाद रिव्यूज लिए, रेटिव फाइल्स और भी पब्लिशर पब्लिशमेंट हुए। तो ये इंटरऑपरेबिलिटी स्पेसिफिकेशन और टेस्ट केसेस में काफ़ी फेयर फास्ट है। तो जो भी कोई भी टेक्नोलॉजी बनती है तो इसको ऐसे डायरेक्टली कोई इंप्लीमेंट नहीं करता, कोई डायरेक्टली कोई कंपनी लेती नहीं, इसको बताना पड़ता है, इसको यूज़ करना पड़ता है, इसका स्पेसिफिकेशन लेना पड़ता है, उसका ट्रांसफर डेटा रेट चेक करते हैं, इसके अंदर पावरफुल कितना लेता है, कितना फ्रिक्वेंसी का सिग्नल कितना भेजता है, रिसीविंग होता है। तो ये सब कुछ जो काम किया था साटा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साटा इनपुट आउटपुट के लिए, ये ऑर्गेनाइजेशन थी इस टेक्नोलॉजी को काफ़ी बेहतर तरीके से यूज़ किया और काफ़ी बेहतर ये पावरफुल यूजफुल भी हुई। ऐसा नहीं कि सिंगल तरीके से, ऐसा नहीं होता। तो ये जो साटा हार्ड डिस्क टेक्नोलॉजी आई इसके वजह से काफ़ी बेहतर टेक्नोलॉजी इसके अंदर काफ़ी यूजफुल होने लगी। 2003 में काफ़ी फेमस हुई और काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी कंप्यूटर की दुनिया के अंदर ये काफ़ी बेस्ट डिवाइस डेटा को स्टोर करने वाला बना। तो एस विथ मेनी अदर इंडस्ट्री कंपनी स्टैंडर्ड, तो दूसरी बहुत सारी इंडस्ट्री कंपनी आई उसके साथ साटा को कंटेंट द साटा कंटेंट ओनरशिप इज ट्रांसफर टू इंडस्ट्री बॉडीज। तो इसका जो कंटेंट वगैरह जो ओनरशिप जो होती है वो दूसरी कंपनी ने उनके अंदर पैसा लगाया, उनके अंदर उनकी यूजफुल टेक्नोलॉजी को खरीदा। तो प्रीमिलिटी इनसेट की 30 नाम दिया गया और इनसेट T10 सुप्रीमिटी जिसको हम बाद में बात करेंगे स्कजी क्या होती है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरकनेक्ट उसका नाम देते हैं, उसको पूरा नाम ये। तो स्मॉल सिस्टम कंप्यूटर इंटरकनेक्ट ये जो किस तरह से नाम आया होगी समझाऊंगा तो अभी बाद में बात करेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी नई बनाई गई स्कजी साटा के ऊपर से और इसके अंदर ग्रुप भी बनाया गया, क्योंकि अगर हम हार्ड डिस्क का ग्रुप बनाते तो वो हार्ड डिस्क का पूरा जो पार्टीशन होता है, जैसे कि मान के चलते कि मेरी 5 ऐसी हार्ड डिस्क जो 5-5 GB की है और 5 GB बनकर 25 GB है, सभी अलग 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 मुझे दिखाई देती है पार्टीशन के अंदर, लेकिन मुझे सबको ग्रुप में डालकर एक ही हार्ड डिस्क मुझे बतानी है ऑपरेटिंग सिस्टम को, हम कह सकते हैं कि एक ही ग्रुप में इसको यूज़ करना है। तो ये सब ग्रुप जो होती है वो इसको रिस्पॉन्सिबल बना गया, तो उसको नाम दिया गया स्कजी, इसको सैस भी बोलते हैं। वो टेक्नोलॉजी मैं बाद में बताऊंगा। ये स्कजी टेक्नोलॉजी जो हम ग्रुप की बात करें ज़्यादातर सर्वर टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है, सर्वर सिस्टम के अंदर यूज़ होती है और ये काफ़ी बेहतर तरीके से यूज़ हुई। 2003 के अंदर काफ़ी फेमस हुई। द रिमाइंडर ऑफ द आर्टिकल स्टार्ट टू यूज़ साटा इनपुट आउटपुट टर्मिनोलॉजी एंड स्पेसिफिकेशन, ये काफ़ी बेहतर तरीके से टर्मिनोलॉजी के अंदर भी बेहतर तरीके से यूज़ होने लगी। अगर कोई भी हार्ड डिस्क खराब होती है तो हम बाहर भी निकाल सकते हैं, चालू में मशीन की हमें बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो निकल जाती है, फिर उसके अंदर रिप्लेसमेंट भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से बना गया यहाँ पर। तो बिफोर साटा इंट्रोडक्शन इन 2000, तो ये जो साटा जो है वो 2000 के अंदर इंट्रोडक्शन की PTA सिंपली इनका ATA, तो अटैचमेंट जो होती है आपके सामने है। कोड नेम ओरिजिनेटेड आफ्टर द 1984 रिलीज हुआ था IBM कंपनी
आई मीन पर्सनल कंप्यूटर में, ओके। तो जो आटा केबल था, पाटा केबल था, उसमें जो है वो IBM कंपनी ने बनाया था पर्सनल कंप्यूटर के अंदर। IBM कंपनी जो थी उसने ये एंटर की थी। तो हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन जो ये साटा जब हुई थी, इससे पहले 2000 से पहले जो जो भी हार्ड डिस्क चल रही थी वो थी ATA। मैंने उसका वीडियो बनाकर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो ATA हार्ड डिस्क क्या है, पाटा हार्ड डिस्क क्या है, वो जाकर देख लीजिए। लेकिन 1984 से 2000 मतलब कि आप तक कह सकते हैं कि 2000 के अंदर मतलब 14 साल या 15 साल के आसपास जो भी था वो एक ही हार्ड डिस्क चल रही थी, IDE पाटा हार्ड डिस्क। लेकिन बाद में 2000 से बाद 2003 में जैसे जैसे साटा हार्ड डिस्क बढ़ी तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से जो है पर्सनल कंप्यूटर में जो है अब धीरे 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 पाटा हार्ड डिस्क सटने लगी, मतलब टेक्नोलॉजी वो चल जाने लगी, क्योंकि उससे भी बहुत काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ होगा। तो मोर कॉमन लोग जानते हैं IBM ATA समझते हैं, क्योंकि IBM कंपनी ने ही ATA हार्ड डिस्क का पोर्ट बनाया था और वेस्टर्न व्यू डिजिटल कंपनी ने WDG कंपनी ने उस पोर्ट के ऊपर से एक हार्ड डिस्क का सिस्टम बनाया था। तो द IBM ATA कंट्रोलर इंटरफेस बिकम एट डी फैक्टर इंडस्ट्री इंटरफेस फॉर द इंक्लूजन हार्ड डिस्क। ओके, तो इसने इंक्लूजन हार्ड डिस्क जब सब सिस्टम जब स्टार्ट हुई थी IBM कंपनी ने जब बनाया था तब वो जो पोर्ट था वो कुछ और था। लेकिन जैसे ही ये जो सिस्टम नई रिलीज हुई, ये इंट्रोड्यूस किया था, तो ये जो सिस्टम है एडवांस टेक्नोलॉजी, तो ATA वॉज IBM एप्लीकेशन फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। थस मेनी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन इंडिकेट साटा इन एब्रीवेंट सेरल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो यही टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी में काफ़ी कंपनीज जो थी ऑर्गेनाइजेशन थी वो इंडिकेट कर रही थी, इसको यूज करना चाहती थी। जैसे कि मैंने कहा इंटेल कंपनी वगैरह जो है, फिर SS MSI कंपनी, बहुत सारी अलग अलग कंपनी जो मदरबोर्ड बनाती थी उसके अंदर ये एंटर होने लगी साटा सिस्टम टेक्नोलॉजी के अंदर। तो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट हुआ वैरायटी ये स्पेसिफिकेशन सिंपल यूज नेम एंड ATA अटैचमेंट, उसका स्पेसिफिकेशन जो हुआ वो ATA अटैचमेंट हुआ और इसको अवॉइड किया गया पॉसिबल ट्रेडमार्क इश्यू विद IBM। ओके, तो कुछ ट्रेडमार्क इश्यू वगैरह तो थी तो इसके IBM के साथ लगने के कारण कुछ जो ये प्रॉब्लम जो थी वो हट गई यहाँ पर। तो बेसिकली इन शॉर्ट में यू कह सकते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है तो इसके अंदर स्पेसिफिकेशन जो होती है, उसकी कोई अटैचमेंट वगैरह जो होती है, जो भी इसका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स वगैरह हर कुछ चीज़ एक्स से लेकर जेड तक जो भी इसका प्रोसेस होता है, वो भी जो इश्यू वगैरह जो होती है वो कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो नई टेक्नोलॉजी डायरेक्टली ऐसे नहीं लेती, क्योंकि इसकी पूरी जो टेक्नोलॉजी है इसको परखा जाता है, उसको देखा जाता है, तब जाकर ये जो सिस्टम जो है साटा यूज़ होती है यहाँ पर। ओके, तो साटा टेक्नोलॉजी के आने के कारण काफ़ी अलग तरह की जो पोर्ट वगैरह जो है आपके सामने है। ओके, ये जो साटा का जो है डेटा केबल है इसको हम कहते हैं, इसके अंदर इसकी जगह पर जो पुराने वाले हार्ड डिस्क जो IDE पाटा केबल यूज़ होती है वो रिबन केबल, काफ़ी मोटा केबल था, काफ़ी बड़ा पोर्ट था और ये छोटा पोर्ट है छोटे। ओके, और ये आपके सामने देख सकते हो कि ये मोलेक्स साटा पावर है। ओके, ये साटा पावर है। ओके, तो ये चीज़ें होती है। तो पुराने वाले जो हमारे थर्ड और फोर्थ जनरेशन के जो हमारे मदरबोर्ड थे उसके अंदर ये काफ़ी यूजफुल होने लगे। तो साटा होस्ट अडेप्टर एंड द डिवाइस कम्युनिकेट विद हाई स्पीड से जो केबल ओवर टू पेयर्स ऑफ कंडक्टर। तो साटा होस्ट अडेप्टर जो है वो और डिवाइस जो कम्युनिकेट हो वो हाई स्पीड सीरियल केबल उसको कहते हैं, और दो पेयर में कनेक्टर होते हैं यहाँ पर। ओके, तो इन कौन पैरेलल ATA जिसको ATA भी बोलते हैं यहाँ पर देख सकते हो कि ओके पैरेलल ATA डिजाइन फॉर इंटेलिजेंसी ATA स्पेसिफिकेशन, ये ATA देख सकते हो आपके सामने, और 16 बिट वाइड या बस इन मेनी डिजिटल सपोर्ट टू कंट्रोल सिग्नल्स। ओके, तो 16 बिट दूसरी जगह पर हमारा साटा होता है यहाँ पर। ओके, तो ऑल ऑपरेटिंग मच पावर लोअर फ्रीक्वेंसी, ये जो हमारा पुराना वाला हार्ड डिस्क है वो लो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, लो और सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। तो इंसर बैकवर्ड कंपनी द विद ATA सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन, तो कुछ इससे लेगेसी सिस्टम पर काम करता है। ओके, तो अगर आपने बाहर से भी देखा होगा कि लेगेसी होता है। ओके, तो लेगेसी क्या होता है, पुरानी टेक्नोलॉजी। ओके, और आप ध्यान से देखो कि साटा यूज़ करना सेम बेसिक ATA पर ही, लेकिन ATPI कमांड ATA भी यूज़ करता है
और ATPI कमांड सेट इथ लेगेसी ATP डिवाइस भी यूज कर सकते हैं। लेगेसी ओके, तो लेगेसी जो होता है पुराने वाले मदरबोर्ड के अंदर भी और नए टाइप के मदरबोर्ड में आपको दे सकते हैं कि GUI बेस्ड हमारा जो कुछ हमारा BIOS होता है उसके अंदर भी आप दे सकते हो। तो ध्यान से देखिए कि ये जो है हमारा IDE हमारा मेन हार्ड डिस्क है और ये हमारा SATA हार्ड डिस्क आप दे सकते हो। तो ये बेसिकली हमारा जो पुराना वाला जो ये हार्ड डिस्क हमने पिछले वीडियो में काफ़ी बेहतर तरीके से समझाया था कि इसकी रेबन केबल क्या होता है, इसका पोर्ट कैसे समझे हमारे मदरबोर्ड के अंदर, वो वीडियो जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो ये जो हार्ड डिस्क है काफ़ी बेहतर तरीके से यूज तो होती है लेकिन इसकी सिग्नल स्पीड, उसका डेटा का सेंड करना रिसीव करना, उसका स्टोरेज वगैरह जो काफ़ी स्लो होता था लेकिन इससे भी कई गुना फास्ट जो है हमारी ये हार्ड डिस्क SATA हार्ड डिस्क यूज होने लगी। तो यहाँ पर ये जो देख सकते हैं फर्स्ट यहाँ पर डेटा केबल यूज होता है, यहाँ पर हमारा पावर सिस्टम लगता है यहाँ पर ओके। तो पावर का इसके बिना आपको समझा आपको बताया था SMPS की वीडियो के अंदर, SMPS की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो SMPS के पोर्ट के अंदर SATA पोर्ट करके वीडियो है ओके, वो जाकर देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये पोर्ट जो अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर हमारा SATA हार्ड डिस्क के अंदर ये पावर लिखा है और हमारा ये जो है पोर्ट ये हमारे डेटा केबल है, डेटा पोर्ट होता है। यहाँ पर हमारे मदरबोर्ड में एक पिन हमारे मदरबोर्ड के अंदर लगेंगे, दूसरी पिन हमारे हार्ड डिस्क के अंदर लगेंगे ओके। तो एक पिन मदरबोर्ड के अंदर, दूसरी पिन हमारे हार्ड डिस्क के अंदर लगती है, जिससे ये वाला पोर्ट है ये यहाँ पर लगता है उसके कम्प्लीटली इसका जो जो साँचा होता है उसी इसका जो कम्प्लीट इसका शेप होता है उसको मैच करके इसको लगाना पड़ता है और दूसरा जो होता है हमारा मदरबोर्ड की पोर्ट के ऊपर लगाना होता है ओके। तो द वर्ल्ड इज फॉर SATA हार्ड डिस्क इज Seagate Barracuda SATA। तो SATA जब बना गया SATA टेक्नोलॉजी का काफ़ी जो बेहतर तरीके से रिलीज किया वो Seagate की हार्ड डिस्क थी ओके। तो IDE हार्ड डिस्क ने जो बना था वेस्टर्न W डिजिटल कंपनी जो थी वो IBM कंपनी से यूज़ किए लेकिन SATA ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट हुआ था और IBM कंपनी ने उसका ट्रेडमार्क लिया तो Seagate ने पहली बार जो है Barracuda SATA का पहला फर्स्ट हार्ड डिस्क बनाया और उसने रिलीज किया 2003 के अंदर काफ़ी Seagate ने। तो Seagate एक हार्ड डिस्क ही है, एक कंपनी बनाने वाली हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क बनाने कंपनी है ओके। तो SATA रिप्लेसबल एटे जैसे ही वो 2003 में Seagate कंपनी बहुत सारी हार्ड डिस्क बनाना शुरू किया SATA हार्ड डिस्क Barracuda, तो Seagate जो कंपनी जो है हार्ड डिस्क बनाने कंपनी SATA इस रिप्लेस पर आता कंज्यूम डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंपनी, डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों में SATA मार्केट शेयर कर रहा था ओके। और डेस्कटॉप पीसी मार्केट में कम से कम 99% तक 2008 के अंदर पूरा ATA हार्ड डिस्क का नाम और निशान अटमल की कह सकते कि इसका पूरा डेटा ही बदल मतलब कि पूरा इसका मार्केट ही खत्म कर दिया, वो IDE हार्ड डिस्क ज़्यादातर लोग यूज ही नहीं करते थे ओके। तो इस तरह से ये SATA हार्ड डिस्क का इस तरह से यूज ना के बराबर होने लगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट और यूजफुल होती थी, अभी भी इसका यूज होता है और आज भी अभी हम मॉडर्न टाइम के अंदर ज़्यादातर SSD हम यूज़ करते हैं और कुछ जगह पर तो ये भी यूज़ होता ही है, ज़्यादातर सर्वर टेक्नोलॉजी के अंदर आपको SATA ही मिलेगी ओके। तो SATA है मोस्टली हम मोस्टली बीन रिप्लेस बाय SATA फॉर एनी यूज ओके with SATA deep learning use the industry embedded application that use the compact flex storage okay, इसको compact flex storage कहते हैं क्योंकि ये जो है एक तरह का आप निकाल भी सकते हो चालू में और चालू कंप्यूटर में इसको लगा भी सकते हो ओके। और इसको बहुत ही काफ़ी उसकी जगह पर काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन भी बनाए अलग अलग कंपनीज ने और मैं आपको बताऊँगा जब 2003 के बाद Seagate ने ऐसा नहीं की एक ही ऐसी तरह की हार्ड डिस्क बनाई, Seagate ने काफ़ी अलग अलग तरह की डिज़ाइन की हार्ड डिस्क भी बनाई SATA हार्ड डिस्क के अंदर क्योंकि इसका जो मदरबोर्ड जो सिस्टम जितना काफ़ी पतला हो रहा था यहाँ पर और पतली और काफ़ी नैनो टेक्नोलॉजी की यूज़ होने के कारण और दूसरा इसका बेनिफिट ये मिल रहा था क्योंकि ये फास्ट टेक्नोलॉजी थी तो उसकी मेन जो चीज़ें थी उसके अंदर जो मैं आपको समझाऊंगा जब हार्ड डिस्क की वीडियो लेकर आऊँगा कि हार्ड डिस्क में कौन कौन से पार होते हैं ओके। तो बीच में से डिजाइन एंड अराउंड द लीगेसी SATA स्टैंडर्ड्स को बोल जो पुरानी वाली हार्ड डिस्क लेकिन 2008 के अंदर सी फास्ट रिप्लेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फेस इन ऑन SATA हार्ड डिस्क। ये क्यों बोला जाता है क्योंकि
साटा हार्ड डिस्क के अंदर काफ़ी फास्ट टाइप के ट्रैक एंटर किए जाते थे, और ऐसी जो बड़ी हार्ड डिस्क सीपी हार्ड डिस्क जो होती है वो सर्वर टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ करेंगे 2003 के बाद। तो 2003 के बाद जितनी भी जगह पर सर्वर टेक्नोलॉजी के अंदर ये जो पाटा हार्ड डिस्क यूज़ होती थी इसको निकाल निकाल के उसकी जगह पर नए नए हार्ड डिस्क साटा हार्ड डिस्क के मदरबोर्ड में ये सर्वर सिस्टम लगाने लगे। और फिर तो 2008 के अंदर तो ये देख सकते हो कि 2003 के अंदर 2006 साल के अंदर ही काफ़ी पाटा हार्ड डिस्क का जो है ये 99% जो है उसका मार्केट ख़त्म कर डाला। तो साटा केबल्स उसके पास पावर कनेक्टर्स वगैरह जो होती है इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से समझिए कि साटा टेक्नोलॉजी और ये काफ़ी बेहतर तरीके से रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी है। बेसिकली जितने भी हमारा साटा टेक्नोलॉजी है ये इतनी पावरफुल है क्योंकि इसके अंदर जो है अब जो हार्ड डिस्क पुराने वाली आईडी पाटा हार्ड डिस्क जो होती थी वो 300 या 400 एमबीपीएस, कभी कभी 200 एमबीपीएस, लेकिन जो साटा हार्ड डिस्क है वो 800-900, कभी कभी ऐसी हार्ड डिस्क भी है अपने से कोई एसएसडी हार्ड डिस्क है हमारी साटा हार्ड डिस्क वो 1 GB तक भी हमारी जो ट्रांसफ़र करती है, ओके। तो ये चीज़ें होती है। तो हम साटा की फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि साटा हार्ड डिस्क टेक्नोलॉजी के फीचर कौन कौन से, ओके, और इस साटा फ्यूचर टेक्नोलॉजी से कैसे कैसे हमारे जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं और इसके अंदर फ्यूचर क्यों ऐड करने पड़े वो भी मैं समझाऊंगा, ओके। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन तब कमेंट कर सकते हो, ओके। तो थैंक यू, हैव नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक फीचर्स एंड नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू। तो मैं नए अगले वीडियो की अंदर साटा की फीचर्स के बारे में बताऊँगा। अभी तो ये समझ लो कि ये बहुत ही लंबा वीडियो हो चुका है, लेकिन मैं आपको जितना उसके साटा के बारे में जितना हो सका मैंने आपको पूरा नॉलेज देने का मैंने एक कोशिश किया है, ओके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये काफ़ी वीडियो इम्पोर्टेंट है फीचर्स, ओके, तो देखना ना भूलें। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो की जानकारी मिस ना हो। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है, तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जैसे कि विंडो 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है, ओके। तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है, कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी, कंट्रोल पैनल क्या होता है, ओके। और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर, ओके। तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर, ओके। तो मैंने पेटीएम, माइक्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायर वॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा, ओके। एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही कि यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें, ओके। तो सभी वीडियोस भी होती है पार्ट वाइज होती है, ओके। तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी, ओके। और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको
कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पूरा नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके तो थैंक यू।